पोकेमोन खतरे का जंगल। कहानी की शुरुआत एक ऐसे जंगल से होती है जहाँ बहुत सारे पोकेमोन रहते हैं और उन सभी को सेल्वी नाम की यह बहादुर पोकेमोन लीड करती है। लेकिन एक दिन कुछ खतरनाक पोकेमोन सेल्वी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ इसी जंगल में एक लड़का अकेले पोकेमोन पकड़ने के लिए आया था, जिसे देखकर यह औरत भागती हुई उसके पास आती है और उसे बताती है कि जंगल में कुछ अजीब वाणी सुनाई दे तो कहीं छिप जाना। अब भले ही इस लड़के को इसकी बात समझ में नहीं आती है, फिर भी वह इसका सैंडविच लेकर जंगल में निकल पड़ता है। इससे कुछ ही दूरी पर सेल्वी नाम के इस पोकेमोन को यह शिकारी पकड़ना चाहता है, इसलिए सेल्वी वहां से भागने लगती है। अब सेल्वी को भागता हुआ देख जंगल के सभी पोकेमोन भी भागने लगते हैं। अब यह सब देखकर लड़का थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि वह भी जंगल में अच्छे और अनोखे पोकेमोन को पकड़ने आया था। लेकिन सेल्वी को मुसीबत में देखकर वह इसे बचाने की सोचता है, क्योंकि जंगल से यह खतरनाक शिकारी अनोखे और पावरफुल पोकेमोन को पकड़ कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता है। अब इस शिकारी के मुख से यह बात सुनकर लड़का सेल्वी को लेकर जंगल में भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद चालाक सेल्वी अपने पावर का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देती है, मतलब सीधे समय में यात्रा वो भी इस लड़के के साथ, क्योंकि सेल्वी के पास उन हैवानों से बचने का यही एक तरीका होता है, जिसे इस्तेमाल करके वह 40 साल फ्यूचर में चली जाती है, जहां उस शिकारी से कोई दूसरा शिकारी धमकी देकर उसे सेल्वी का पता पूछ रहा था और उसके न बताने पर वह एक नॉर्मल गॉडजिला पोकेमोन को डार्क बाल में डालकर उसे शैतान बना देता है, जिसके बाद यह शैतान गॉडजिला इस छोटे शिकारी के सारे पोकेमोन को मार देता है, जिसे मजबूर होकर यह शिकारी इसे सेल्वी का पता बता देता है। 40 साल बाद इसी कहानी में एक एस नाम के लड़के की एंट्री होती है, जिसके पास एक अमेजिंग पोकेमोन पिकाचू होता है, जिसे लेकर एस नाम का यह लड़का उसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ आता है जहां सेल्वी रहा करती थी। इसलिए 40 साल बाद वही सैंडविच वाली औरत इनको भी जंगल में जाने से पहले चेतावनी देती है, मगर ये लोग उसकी बात नहीं मानते और जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि इनका भी पोकेमोन ट्रेनर बनने का सपना होता है, इसलिए ये लोग रिस्क उठाने को भी तैयार थे। लेकिन जब ये लोग इस जंगल में होने वाली सेल्वी की अजीब सी घटना देखते हैं तो बिल्कुल शक हो जाते हैं, क्योंकि सेल्वी उस लड़के को 40 साल बाद भी उसी जंगल में छोड़ती है जिस जंगल से उसे लेकर गई थी। अब इन सभी को पीछे की घटनाओं का पता न होने के कारण ये लोग इस लड़के को सीधे उसी औरत के पास लाते हैं जिसे वह 40 साल पहले ही मिल चुका था, और फर्क बस इतना ही होता है कि वह लड़का तो लड़का ही रहता है लेकिन लड़की अब बूढ़ी हो चुकी होती है। फिर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं और ये सभी इससे कुछ समय तक बात करने के बाद पुनः जंगल में पोकेमोन ढूंढने निकल जाते हैं, खासतौर से सेल्वी को, जिसे ढूंढने में पिकाचू इन सबकी मदद करता है और इन सभी को सेल्वी का पता बता देता है, जिसकी वजह से ये लोग सेल्वी से मिल पाते हैं। लेकिन उनकी यह मुलाकात थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि सेल्वी की तलाश में जंगल में भटक रहा यह शिकारी अपने गॉडजिला पोकेमोन का इस्तेमाल करके सेल्वी को इन लड़कों से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसलिए ये चालाक बच्चे सेल्वी को लेकर जंगल में दूसरी तरफ भाग जाते हैं और काफी मुसीबतों का सामना करते हुए ये लोग सेल्वी को एक ऐसी जादुई झील के पास लाते हैं जो हर एक घायल पोकेमोन को ठीक कर सकती है, मतलब इस झील में घायल सेल्वी भी ठीक हो जाती है और थोड़े समय तक इन बच्चों के साथ मजा करती है। लेकिन आखिरकार सेल्वी के पीछे पड़ा शिकारी उसे पकड़कर डार्क बाल में डाल देता है, जहां से सेल्वी भी एक शैतान बनकर निकलती है, मतलब एक खतरनाक पोकेमोन जो पूरी तरह से इस शिकारी के बस में हो चुकी थी, जो इस शिकारी के कहने पर पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसे देखकर जंगल का एक मशहूर पोकेमोन स्वीकून, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा था, वह इन लड़कों का साथ देने लगता है और यही स्वीकून उस शिकारी के सबसे खतरनाक पोकेमोन गॉडजिला को मार देता है और सेल्वी को भी उसके स्थिति में वापस लाने की कोशिश करता है, पर शायद स्वीकून सेल्वी से कम पावरफुल होता है इसलिए वह सेल्वी को कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन बच्चों की चिल्लाने वाली मेहनत सेल्वी पर काम कर जाती है, क्योंकि उनकी आवाज सुनकर सेल्वी उनके साथ बिताए अपने पुराने पलों को याद करने लगती है और धीरे धीरे अपना कंट्रोल शिकारी से वापस ले लेती है। लेकिन उसकी वजह से वह अंत में बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए बच्चा लोगों की टीम उसे फिर से जादुई झील में छोड़ते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि स्वीकून उसके लिए पूरी झील को भी साफ कर देता है, फिर भी सेल्वी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देखकर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्यारा पिकाचू और सारे पोकेमोन्स भी। इसलिए सेल्वी को वापस जिंदा करने के लिए उसी के जैसे दिखने वाले काफी सारे पोकेमोन्स आते हैं और उसे अपने मैजिक से पुनः जीवित करके वहाँ से चले जाते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी यह शिकारी सेल्वी का पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए एस और पिकाचू उसी के साथ उड़ के उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं, जिसे इन सभी को एक बार फिर इनकी सेल्वी मिल जाती है। तो ये थी पोकेमोन खतरे का जंगल की कहानी। वैसे आपका पसंदीदा पोकेमोन कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना।